हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेलवे क्रिकेट्स में। आज 3 दिसंबर का ऑल शिफ्ट का क्वेश्चंस लेके आ गया हूँ। जितने भी ऑथेंटिक क्वेश्चंस है, जो 101% जो क्वेश्चंस आज के दिन में पूछे गए हैं, सारे के सारे लेके आ गया हूँ। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि आज मुझे लेट हुई, क्योंकि मैं क्वेश्चन कलेक्ट करते करते मेरे को टाइम लगा और क्वेश्चंस बनाते बनाते मुझे टाइम लग गया। तो फ्रेंड्स, उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहूँगा सभी को। और जितने भी ऑथेंटिक क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ, ऑथेंटिक क्वेश्चन सारे के सारे आज ही के दिन मैं पब्लिश करना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करते रहिएगा, ठीक है ना। तो पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं। इसराइल की राजधानी पूछी गई थी कि इसराइल की राजधानी क्या है, तो जेरूसलम हो जाएगी इसराइल की राजधानी। जितने भी राजधानी राजधानी मैंने अलग से करा रखी है, और जो विभिन्न जो हमारे जो भारत देश से विभिन्न देश से उनकी नहीं करा रखी, तो भारत के जितने भी भीतर की राज्य राजधानी मैंने करा रखी है, वो आप चाहो तो देख सकते हो, ठीक है ना। समुद्र की पानी का पानी किस विधि से गर्म होता है, वो होती है संवहन विधि, ठीक है ना। संवहन विधि से गर्म होता है, ठीक है। दूसरा तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, और ये उत्कृष्ट कोचों को दिया के लिए बना होता है, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन बने कि ये किसके लिए दिया जाता है, मतलब किस क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, लेकिन किस के लिए ये दिया जाता है, ये अगर क्वेश्चन बन जाता है तो क्या लिखना होगा आपको, उत्कृष्ट कोचों के लिए, ठीक है ना। उत्कृष्ट कोचों के लिए दिया जाता है। इग्नाइटेड माइंड के लेखक कौन है, इग्नाइटेड माइंड के लेखक हो जाएंगे आपके EPJ अब्दुल कलाम। जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब हैं। नर्मदा रंग महोत्सव 2018 का आयोजन कहाँ हुआ था, देखिए ये आज के दिन नहीं पूछा गया था, पूछा गया था आज के दिन 2017 का, तो आपको दिखा 2017 में 19वां आयोजन हुआ था, और ये 20वां हो जाएगा, ठीक है ना, ये 20वां हो जाएगा। तो देख लेते हैं, 19वां हो जाएगा, 19वां 2017 का पूछा गया था आज के दिन, तो कमानी सभागार में हुआ था, जो है स्थित नई दिल्ली में, ठीक है ना। ऐसे अगर पूछा जाए कि 2018 का जो हुआ है आयोजन कहाँ हुआ था, ये नर्मदा नगरी होशंगाबाद में संपन्न हुआ था। ये 27 मई से 8 जून तक चला था, और जो 12 दिवसीय इस महोत्सव में डॉक्टर शंकर शेष के नाटकों का मंचन किया गया था, ठीक है ना। 2017 में पूछा गया जो है उसमें, वो कमानी सभागार में हुआ था, ये नई दिल्ली में हुई थी, ठीक है ना। क्लोरीन का परमाणु भार पूछा गया, तो क्लोरीन का परमाणु भार पूछा जाएगा तो 35.453 यूनिट, ठीक है ना, ये होगा मोल हो जाएगा। 1 यूनिट इजिकल टू कितना होता है, 6.23×10³, ठीक है ना। और ये अगर पूछा जाए कि इसका क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता, तो ये हो जाएगा पर 17, ठीक है ना। परमाणु भार और परमाणु क्रमांक मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि परमाणु भार और परमाणु क्रमांक जितने भी होते हैं ना, और सारणी के जितने भी 1 से लेकर 30 तक कम से कम आप कर लीजिए, जो रटे हुए चीज़ है ना उसको आप रट लीजिए, उसके बाद का बाद में आप धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करते रहिए, वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने, ठीक है ना। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बनेंगे तो वो करते रहिए, ठीक है ना। भारत के वर्तमान गृह मंत्री पूछा गया था कि भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है, तो ये हो जाएंगे कि राजनाथ सिंह, आपके भारत के वर्तमान गृह मंत्री, ठीक है ना। मुझे वीडियो बनाने में फ्रेंड लेट होती है, ताकि मैं आपके लिए ऑथेंटिक और ये करेक्ट क्वेश्चंस लेके आता हूँ, ठीक है ना। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो संविधान दिवस मनाया जाता है आपका 26 नवंबर को। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आगे आने वाले भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है ना, तो इसको आप रट लीजिए। पद्मश्री अवार्ड पर एक प्रश्न था, ये नहीं पता हमें कौन सा प्रश्न है, लेकिन पद्मश्री अवार्ड से एक प्रश्न जरूर पूछा गया था। लेकिन पद्मश्री अवार्ड भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये प्रथम पुरस्कार जो है ना पद्मश्री, किसको कब आया था, 1944 में आया था, ठीक है। 1911 में जॉर्ज विटिट ने भारत में किस स्मारक का निर्माण शुरू किया था, ठीक है ना। तो किस स्मारक का निर्माण शुरू किया, तो ये गेटवे ऑफ इंडिया हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो महाराष्ट्र मुंबई में है, ठीक है ना। और निर्माण देखिए शुरू कब हुआ था, 1911 ईस्वी में शुरू हुआ था, और संपूर्ण कब हुआ, जो निर्माण पूर्ण कंप्लीट कब हुआ, 1924 ईस्वी में, ठीक है ना। इसकी वीडियो की मैं डिस्क्रिप्शन में आपको PDF फाइल दे दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आवर्त सारणी की सबसे हल्की गैस कौन सी हो जाएगी, तो आवर्त सारणी की सबसे हल्की गैस हो जाएगी आपकी हाइड्रोजन, जो बहुत हल्की होती है। हल्की अगर धातु पूछी जाए, देखिए हल्की गैस में हो जाएगी आपकी हाइड्रोजन, हल्की गैस हो जाएगी आपकी हाइड्रोजन, हल्की धातु पूछे तो लिथियम, जो आगे आने वाले एग्जाम में रेलवे ग्रुप में पूछा गया। मैं आपको बार बार रिपीट करता हूँ, बार बार बोलता हूँ कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके विपरीत पूछा जा सकता है, तो उसको क्वेश्चन को आप अच्छे से करिए। और क्वेश्चन का लेवल मैं बता रहा हूँ, बच्चे पूछ रहे हैं ये कैसा है लेवल आ रहा है, तो क्वेश्चन का लेवल टफ आ रहा है और मॉडरेट दोनों,
तो आपको टफ कंपटीशन करना है, ठीक है ना, ताकि आगे जितने भी कोई एग्जाम बचे हैं जितने भी बच्चों के वो छूटे ना और वो अच्छे से क्लियर हो जाए आपके, ठीक है ना। विद्युत धारा किस में मापी जाती है? विद्युत धारा आपकी मापी जाती है एम्पियर में, और उसका जो उपकरण होता है वो एमीटर होता है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन देख लेते हैं, जॉर्डन की राजधानी क्या है? जॉर्डन की राजधानी हो जाएगी आपकी अम्मान, जो उसकी मुद्रा होती है तो जॉर्डेनियन डिनार हो जाएगी, करेक्ट आंसर। तो ये देखिए मुद्रा भी बहुत पूछता है जॉर्डन की, तो जॉर्डन की जो राजधानी है वो अम्मान हो जाएगी, और मुद्रा ये कम से कम ये जो क्वेश्चन है 3 4 बार रिपीट कर चुका है ग्रुप डी में, तो आप इस क्वेश्चन को रिपीट करते रहिए और इसको देखते रहिए, बस आपको एक बार ध्यान आ जाएगा। राजधानी जो होता है ना, देखिए बहुत पूछता है डिफरेंट, ठीक है ना, कंट्रीज के, तो आप जितने भी नए नए हैं वो सबको लगा लीजिए, ठीक है ना। इन्फोसिस के सीईओ पूछा गया, तो इन्फोसिस के सीईओ का भी अलग वीडियो बना रखा हूँ, उसमें मैंने इसका भी करा रखा है, क्वेश्चन भी करा रखा है। तो कोई भी क्वेश्चन आपसे आपके जो भी है ना वो मिस नहीं होंगे, मैंने सारे वीडियो में अपने अपलोड कर रखा हूँ, तो आप चेक करते रहिए। और मैंने अभी फिलहाल फिलहाल में 50 जो है ना नए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अपलोड किए हैं, तो उसको आप अच्छे से देखिए, जो नवंबर के चल रहे थे, ठीक है ना। अभी दिसंबर चला, आज तो 3 दिसंबर है, ठीक है ना, देख लीजिएगा। सलील पारेख हो जाएगा करेक्ट आंसर, इन्फोसिस के सीईओ का नाम हो जाएगा सलील पारेख। बिना बुझा हुआ चूने क्विक लाइम का सूत्र क्या होता है? तो बिना बुझा हुआ चूना जो क्विक लाइम का सूत्र हो जाएगा आपका कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है ना, CaO करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए बुकर प्राइज से क्वेश्चन बना था, तो मैं बता रहा हूँ कि बुकर प्राइज, एक मैन बुकर प्राइज अलग होता है, एक मैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज अलग होता है। देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, मैन बुकर प्राइज, यहाँ पे देखिए मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज, याद रहे मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज अलग है और मैन बुकर प्राइज अलग है, ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा एग्जाम में जाके लिखने के टाइम में, ठीक है ना। तो देखिए मैन बुकर प्राइज 2018 का मतलब किसको मिला था? तो अन्ना बर्न्स को मिला था। ये उपन्यास किस कौन से उपन्यास के लिखने के मतलब दौरान इनको मिला है? तो ये उपन्यास मिल्क मैन लिखने के दौरान इनको मिला है मैन बुकर प्राइज 2018। मैन बुकर प्राइज 2017 जॉर्ज सॉन्टर्स को मिला है। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो चुका है तो इसलिए मैं करा देता हूँ। उपन्यास जो है लिंकन इन द बार्डो, स्पेलिंग आप देख लीजिए, LINCOLN इन द बार्डो, BARDO, ठीक है ना, मैन बुकर प्राइज 2017। अगर मैन बुकर प्राइज अंतर्राष्ट्रीय, देखिए अंतर्राष्ट्रीय प्राइज की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय प्राइज की बात करें 2018 की, तो किसको मिला है? ओल्गा टॉकर टॉकर जो जो फ्लाइट्स के लिए मिला था, जो उपन्यास फ्लाइट्स के उपन्यास के लिए मिला था। मैन बुकर प्राइज अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल की प्राइज मिला है 2017 का, तो डेविड ग्रॉसमैन को मिला है। हॉर्स वॉक्स इंटू अ बार, ए हॉर्स हॉर्स वॉक्स इंटू अ बार, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ये जो जितने भी 4 मैंने टॉपिक करा रखे हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से ही क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, तो करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं मैं मैं बनाते रहता हूँ, और आप करते रहिए उसका, प्रैक्टिस करते रहिए, आपका गारंटेड है कम से कम 70 80 आप स्कोर कर ही लोगे ग्रुप डी में, ठीक है ना। तो रोज के रोज ऑथेंटिक जो क्वेश्चंस मिलते हैं हमारे हमारे द्वारा, तो उसके लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स, और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे ही बहुत सारे कोई वीडियो आपके लिए बनाते रहूँ, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला है? तो प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार आपको मिला है विश्वनाथन आनंद, और ये किस खेल से संबंधित है? आपको पता होगा कि शतरंज से संबंधित है, शतरंज खेल से संबंधित है, ठीक है ना, और इनको मिला है, कब मिला है ये खेल रत्न पुरस्कार? 1991 में से लेकर 1992 तक इनको खेल रत्न पुरस्कार मिला है। प्राइस की जो होती है ना, प्राइस के की जो मतलब उसका पुरस्कार के साथ साथ जो मिलता है प्राइस, वो 7.5 लाख रुपए मिलेंगे आपको, देखिए ठीक है। और ये क्वेश्चन बनाया, देखिए ये तो प्रथम पूछा गया ना, और जो 2018 का बात करें तो विराट कोहली और मीराबाई चानू को भी मिला है, तो ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, ये भी क्वेश्चन आया है, इसलिए हमने हमारे द्वारा ये ठीक है उपलब्ध कराया गया है। दीपा करमारकर किस खेल और राज्य से संबंधित है? तो दीपा करमारकर हमारी जो है ना वो वुमेन्स आर्टिस्टिक जिमनास्टिक्स से संबंधित है, और ये कहाँ की रहने वाली है? ये त्रिपुरा की रहने वाली है, ठीक है ना, त्रिपुरा, और जिसकी राजधानी अगरतला है, ठीक है, यहाँ की रहने वाली है। सिंधु घाटी सभ्यता का काल पूछा गया है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या है? काल है 3300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक, ये मतलब चला था सिंधु घाटी की सभ्यता का काल है, ठीक है ना, कब से कब तक? 3300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक चला था, ठीक है। और ये परिपक्व जो काल बताया जाता है,
परिपक्व काल जो है वो 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व तक, ठीक है ना, से मतलब 1900 ईसा पूर्व। ये जो क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस आप लगाते रहिए, सिंधु घाटी जो है ना, ये हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस मिलते हैं आपको ये सारे के सारे हिस्ट्री के लगाते रहिए। और मैं सिंधु घाटी से, आपको पता होगा कि सिंधु घाटी के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। और भी जैसे पानीपत की भी लड़ाई होती है, उसके तीनों की तीनों लड़ाइयों को आप अच्छे से याद करिएगा, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो ऑथेंटिक क्वेश्चंस हैं उसके लिए हमारे चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। भारत के वर्तमान खेल मंत्री का मंत्री कौन है ये पूछा गया है आज के सेकंड शिफ्ट में। तो देखिए जितने सेकंड से थर्ड शिफ्ट के इतने ज़्यादा क्वेश्चन मिले नहीं हमें, एक या दो क्वेश्चन मिले हैं, तो ज़्यादा क्वेश्चन मिले नहीं है थर्ड क्वेश्चन शिफ्ट के। तो जितने भी बच्चों द्वारा मतलब शेयर किए जाते हैं क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस हमारे द्वारा लाए जाते हैं, ठीक है ना। तो उसको आप अच्छे से कवर करिए और उसको पढ़ते रहिए, ठीक है ना, ताकि आगे आने वाले एग्जाम में आपको पता चल जाए कि पेपर का लेवल कैसा है, ठीक है। भारत के वर्तमान खेल मंत्री पूछा गया, तो ये राज्यवर्धन सिंह राठौर हो जाएंगे करेक्ट आंसर, ठीक है। पहले आवर्त में कौन सी अक्रिय गैस है, तो पहले आवर्त में देखिए पूछा गया है, पहले आवर्त में कौन सी अक्रिय गैस, अक्रिय गैस मतलब इनर्ट गैस, ठीक है, इनर्ट गैस है, तो ये अपनी हीलियम हो जाएगी करेक्ट आंसर, ठीक है, हीलियम हो जाएगी करेक्ट आंसर। 2 kWh मतलब 2 kWh में कितने यूनिट या जूल, ऐसे कुछ क्वेश्चन था, यूनिट या जूल होगा क्या होगा। तो देखिए 2 kWh में अगर यूनिट पूछा जाए, तो 2 kW मतलब 1 kWh में 1 यूनिट ऐसे होता है, सॉरी अच्छे से मैं बताता हूँ फ्रेंड्स, रुकिए, 1 kWh इज इक्वल टू 1 यूनिट, ये हो गया आपका, क्लियर हो गया। तो इसमें अगर टू पूछा है तो 2 हो जाएगा आपका 2 यूनिट, ठीक है। अगर जूल पूछा है तो जूल का देखिए 1 kWh जूल इज इक्वल टू इतना होता है, ठीक है ना, 3.6 × 10⁶, अगर ऐसा है तो आपको यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई जब करोगे, 3 × अगर 2 को 2 kWh पूछा है, तो 2 × 2 को 3.6 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 36 × 72, ठीक है, 36 × 72 मतलब कैसे लिखोगे आप, 7.2, 7.2 × 10⁶ माने 10⁶, ऐसा हो जाएगा एक बार आंसर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, 92 किस तत्व का परमाणु क्रमांक है, 92 किस तत्व का परमाणु क्रमांक हो जाएगा आपका, यूरेनियम हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो यूरेनियम हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आवर्त सारणी के बहुत सारे ऑथेंटिक क्वेश्चन बनते हैं और करेक्ट क्वेश्चन बने हैं आज के दिन में, तो वो क्वेश्चन आप लगाते रहिए, ठीक है ना, ये क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेड है, ठीक है। कौन सी धातु ऑक्साइड नहीं बनाती है, कौन सी धातु ऑक्साइड नहीं बनाती है, तो आपको याद रखना है, एलिमेंट्स विच आर लेस रिएक्टिव डज नॉट फॉर्म ऑक्साइड सच एज गोल्ड, देखिए सोना हो जाएगा, प्लेटिनम हो जाएगा, यहाँ पे सिल्वर हो जाएगा, ठीक है ना, सिल्वर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लगाते रहिए, इसमें पूछा है कौन सा धातु ऑक्साइड नहीं बनाती, नहीं बनाती, तो ये सोना, प्लेटिनम और चांदी ऑक्साइड नहीं बनाती, ठीक है ना। प्रकाश है तो विकास है, ये जो क्वेश्चन आया था, ये देखिए करंट अफेयर्स में पूछ रहे हैं क्वेश्चन है, प्रकाश है तो विकास है योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है। तो हाल ही में एक सरकार ने, किसी सरकार ने प्रकाश है तो विकास है नाम की योजना शुरू की है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दौरान मतलब ये शुरू की गई है। और ये कब से कब तक शुरू हुई, 25 कब शुरू हुई है, ये 25 दिसंबर 2017 को राज्य के निर्धन परिवारों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन दिए जाने हेतु ये जो योजना आरंभ की गई है। आपको पता होगा कि मोदी ने भी एक योजना इसी के ऊपर आरंभ की है, ठीक है ना, तो वो योजना का भी क्वेश्चन बनाया है, तो वो भी हमारे चैनल में जाके देख सकते हो, किसी शिफ्ट में मैंने करा रखा है वो क्वेश्चन, आप देख सकते हो, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश सरकार ने देखिए यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये चलाया गया योजना, जिसमें निर्धन परिवारों को निःशुल्क बिजली का कनेक्शन मिलेगा, और वहाँ पर जो भी गरीब जो निर्धन परिवार हैं वहाँ पे आपको पता होगा कि बिजली की बहुत प्रॉब्लम होती है बिहार और उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ पर ये जो बिजली कनेक्शन का जो नया जिम्मा लिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने वो बहुत काबिले तारीफ है। और ये कब शुरू किया गया था, ये 25 दिसंबर 2017 को शुरू किया गया था राज्य के निर्धन परिवारों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन देने के लिए। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, ये देखो क्वेश्चन पूछा गया, तो गोपाल कृष्ण गोखले, ये भी क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है, इसको आप देख लीजिए, 1296 किसका वर्ग है, अगर आप अगर वर्ग निकालते हो, वर्ग निकालते हो, तो अगर आप इसका वर्ग निकालोगे तो कितना निकलेगा भाई, 36 निकलेगा आंसर, ठीक है ना, ऐसा निकलेगा आंसर। तो टोटल आज के इतने क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज के टोटल शिफ्टों में। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और ऐसे ही ऑथेंटिक क्वेश्चंस आपके लिए लाता रहूँ। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।
एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।